आज मैं रैंक करने वाला हूँ इंडियन मैन का यूट्यूबर्स को। हाँ गाइस, मेरे को पता है आप मेरे को इस वाली वीडियो में जूता चप्पल सब कुछ फेंक के मारने वाले हो, टमाटो सॉस वगैरह मेरे को सब पता है गाइस, देन उल्टा अटका के भी मार देना। लेकिन गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस, कोई भी मेरे को हेट नहीं करना, मेरे को पता है वैसे बहुत चप्पल पड़ने वाली है मेरे को। सो गाइस बढ़ते हैं अपने जूता चप्पल खाने वाले कार्यक्रम में। ओके हम अपने टेल लिस्ट में आ चुके हैं। फर्स्ट जिनको देने वाले हैं वो है हमारे अंशु बिष्ट, देखते हैं इनको क्या रैंक दी जाए। सो गाइस मैं अंशु बिष्ट को पहले देखता था, अब तो देखना बंद कर दिया, लेकिन गाइस जब उनकी हीरो प्रेरणा एसएमपी थी तो मैं बहुत देखा करता था, काफी अच्छी लगती थी वीडियो, एंड अब मेरे को एवरेज लगती है। तो यार अब भी यार मतलब काफी अच्छे क्रिएटर हैं, तो इनको ग्रेट तो देने वाला हूं, तो यार इनको ग्रेट रैंक मिलती है। सो गाइस हमारे जो नेक्स्ट क्रिएटर हैं वो एस स्मार्टी पाई। अब गाइस आई नो गाइस स्मार्टी पाई को काफी लोग देखते होंगे, एंड उनकी हिमलैंड सीरीज तो मतलब काफी ज्यादा मस्त है। एंड गाइस मैं ही पहले देखता था हिमलैंड सीजन 3 तक, उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया जब से होगा लाला एंड ये सब है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है चीजें। एंड इनको मैं देने वाला हूँ ग्रेट, क्योंकि यार आप लोगों को पसंदीदा क्रिएटर है। कोई नहीं कहेगा कि मैं एस स्मार्टी पाई के सब्सक्राइबर के दबाव में आके बोल रहा हूँ, जस्ट किडिंग गाइस। एंड गाइस जो हमारे नेक्स्ट क्रिएटर है वो हमारे ड्रीम बॉय। अब गाइस देखो, जब मैंने स्मार्ट बॉय को देखना स्टार्ट किया था उसके बाद में मैंने ड्रीम बॉय को देखा था, एंड ड्रीम बॉय का कंटेंट भी मतलब अच्छा है, लेकिन गाइस मैं उनको देखता नहीं हूं, तो मैं अपने ओपिनियन से उनको देने वाला हूं। रुको रुको गाइस अभी से गाली मत द्वारा, अभी तो पूरी वीडियो बाकी है। नाउ जो हमारा अगला क्रिएटर है वो है नीज भाई। आप लोग इनके नाम से समझ गए कैसे क्रिएटर हैं, क्या मतलब कि मैंने इनको सस्ता रोस्ट कर दिया। नाउ गाइस आप लोग इनको जानते होंगे, इनकी एक एसएमपी है लापता एसएमपी नाम की, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्रिएटर भी थे, बट गाइस यार मेरे को अब एसएमपी से सख्त नफरत हो चुकी है, पता नहीं क्यों यार, मतलब कोई भी अपनी एसएमपी बना के ग्रो हो जाता है, वैसे बात अलग है, मेरी भी एक एसएमपी है। गाइस मैं टेलिस वाली वीडियो बना रहा हूं, खुद को गाली पड़ने वाली वीडियो। चलो गाइस फालतू बातें साइड में, इनको हम देने वाले हैं एवरेज, क्योंकि यार एवरेज ही सही है इनके लिए। नाउ गाइस हमारे नेक्स्ट क्रिएटर है नवरीत भाई, इनको तो गाइस आप लोग जानते ही होंगे, एंड गाइस आप लोग इनको जानते होंगे मतलब क्या ही क्रिएटर, इनकी वीडियोस तो बहुत ज्यादा धांसू होती है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे चैलेंजेस लेते हैं, इनकी चैलेंजेस भी आप लोग देखते होंगे। एंड गाइस मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिनमें इन्होंने 10,000 ब्लॉक माइन किए थे, एंड वो वाली वीडियो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। नाउ गाइस मैं इनको देने वाला हूं गुड क्रिएटर, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो गुड क्रिएटर तो डिजर्व करते हैं भाई। नाउ गाइस नेक्स्ट क्रिएटर है वो हमारे ट्रिगर्ड इंसान। वैसे आपको पता होगा इन्होंने माइनक्राफ्ट छोड़ दिया, इन्होंने एक एसएमपी बनाई थी एवेंजर्स एसएमपी, उसमें काफी मजे करते थे, उसे मार कूटी होता था, कभी कोई उसको मार देता था, कभी कोई उसको मार देता था, बट बेटर देन नीज गेमर। सो या हम इनको देंगे एवरेज, क्योंकि यार इन्होंने मतलब बीच में माइनक्राफ्ट छोड़ दिया, वरना गुड क्रिएटर तो थे यार। नाउ जो हमारे नेक्स्ट क्रिएटर हैं वो है टेक्नो गेमर। नाउ गाइस मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती थी उस टाइम, क्योंकि हीरो प्रेरणा एसएमपी थी तो बहुत ज्यादा मजा आता था देखने में, और इनकी सर्वाइवल सीरीज भी काफी अच्छी लगती थी, बट अभी ये दोनों चीजें बंद हो चुकी है। सो या हम इनको देने वाले हैं गुड क्रिएटर। सो गाइस हमारे जो नेक्स्ट क्रिएटर हैं वो है गाइस ब्लैक क्लू गेमिंग। अब गाइस जिनको नहीं पता उनको बता दूं, सबसे ओल्डेस्ट क्रिएटर है माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के, जो इन्होंने 7 से 8 साल पहले ही माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट कर दिया था। सो या ये टॉप रैंक तो डिजर्व करते ही हैं। सो गाइस हमारे नेक्स्ट क्रिएटर है वो है गाइस बिक्सू भाई। सो गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है गाइस, ये मेरे को काफी पसंद है, इनकी वीडियोस मैं अभी भी देखता हूँ जी गाइस, एंड काफी अच्छी लगती है देखने में, तो हम इनको देने वाले हैं एवरेज। एंड गाइस हमारे अगले क्रिएटर है मिस्टर लेपिस। तो गाइस ये भी लापता एसएमपी के मेंबर्स हैं, तो इनको मैं रैंक्स देने वाला हूँ, तो भी एक एवरेज ही क्रिएटर है गाइस। सो गाइस हमारे अगले क्रिएटर है वो है गाइस मिथ पेट। सो गाइस मैंने अभी तक तो इनके माइनक्राफ्ट की एक भी वीडियो नहीं देखी, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, तो इसलिए मैं इनको देने वाला हूँ। गाइज प्लीज वही कमेंट सेक्शन में गाली मत देना, है मेरा पर्सनल ओपिनियन था। एंड गाइस हमारे नेक्स्ट क्रिएटर है गाइस बीस्ट बॉय शुभ। सो गाइस ये तो मेरे फेवरेट क्रिएटर हैं गाइस, जब मैंने अपना माइनक्राफ्ट स्टार्ट किया था तो इनको देख के मैंने सब कुछ बिल्ड बनाना स्टार्ट किया, जब मैंने माइनक्राफ्ट स्टार्ट किया था मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो मैं इनकी वीडियोस देखता था एंड सारा कुछ इनसे सीखा था मैंने। सो या ही डिजर्व इट। सो गाइस लिस्ट के जो हमारे अगले क्रिएटर हुए हैं गाइस रोनी भाई। सो गाइस हमारे रोनी भाई तो हीरो में हीरो ब्रांड एसएमपी में भी थे, एंड क्या बिल्ड बनाते थे भाई, उनके बिल्ड तो कभी खतरनाक होते थे, वो रेडस्टोन किंग जो ठहरे तो उनको रैंक मिलनी चाहिए। सो गाइस रोनी भाई को देने वाले हैं हम गुड क्रिएटर। नाउ गाइस नेक्स्ट क्रिएटर है अपने ब्लंकी भाई। तो गाइस अगर आप लोग ब्लंकी भाई को जानते हो तो गाइस इनकी चैलेंजेस तो आप देखते होगे, मतलब भाई अपने हार्डकोर वर्ल्ड में क्या क्या चीजें बनाते रहते हैं गाइस, जो कि कोई सोच नहीं सकता। सो या ये डिजर्व करते हैं ग्रेट। नाउ गाइस हमारे अगले क्रिएटर है चपाती भाई। तो गाइस मेरे को पता है अभी तक तो मेरा कमेंट सेक्शन भरी चुका हुआ गाली से, तो थोड़ी बहुत गाली और खा लेते हैं। सो इनको हम देने वाले हैं एवरेज। अब जो हमारे अगले क्रिएटर हैं वो है गाइस इजीओ भाई। सो गाइस आप लोग इजीओ भाई को तो जानते होंगे, उनकी पाव भाजी तो एकदम शक्ति होती है भाई उनकी, तो इजीओ भाई को रखेंगे हम एवरेज में। आई होप गाइस आपने कमेंट सेक्शन मेरा गाली से भर दिया होगा, एंड आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज से बताना, एंड हां गाइस अरे वीडियो मैंने बिल्कुल मजे में बनाई है, किसी कोई भी इसको सीरियस मत लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो आप लोगों को।